है गाइस, सो आज हम बात करेंगे जनरल मेडिसिन के बारे में। कई सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उन्हें टिप्स चाहिए, तो आज बात करेंगे कि किस तरह से जनरल मेडिसिन को हमें अप्रोच करना चाहिए। जनरल मेडिसिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ये बहुत वास्ट है, लेकिन प्रॉपर अप्रोच से हम इसे बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो किस तरह से इसे प्रिपेयर करें? एक्चुअली जनरल मेडिसिन तीन बेसिक सब्जेक्ट्स से मिलके बनते हैं। फर्स्ट फिजियोलॉजी, सेकंड पैथोलॉजी एंड थर्ड फार्मेकोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारी सिस्टम को हमें एक्सप्लेन करता है, हमें पता चलता है कि कौन से स्टेप में प्रॉब्लम होने से आगे जाके हमें कौन सा डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हम पूरा देखते हैं फिजियोलॉजी में। तो बेसिक हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फिजियोलॉजी हमें पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पहले से अंडरस्टैंड किया है कि रेनिन एंजियोटेंसिन अगर सिस्टम हमने देखा है, तो आगे जाके हमें पता चलेगा कि एल्डोस्टेरॉन किस तरह से वर्क करता है और हमारी जो पोटेशियम स्पेरिंग जो ड्रग्स है पैथोलॉजी में, वो आगे जाके किस तरह से इफेक्ट करेगी, डायूरेटिक्स किस तरह से करते हैं अपना काम, तो ये सब हमें फिजियोलॉजी में पता चलेगा। सेकंड है पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में फिजियोलॉजी के साथ हम जब पैथोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये हमारी डिसीज़ की पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन करता है। तो डिसीज़ का प्रोसेस कैसे है, किस तरह से हमारे शरीर में कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, वो आगे किस तरह से स्टेप में बढ़ती है, ये हमें पैथोफिजियोलॉजी से पता चलेगा। तो पैथोलॉजी का फर्स्ट स्टेप हमें वो पैथोफिजियोलॉजी समझेगा, और डिसीज़ का मैकेनिज्म हमें सेल्युलर और टिश्यू लेवल पे पता चलता है, जिससे एक सेल्युलर और टिश्यू लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं वो हमें जब पता चलता है, तो आगे जाके डायग्नोसिस में हम हिस्टोपैथोलॉजी हमें इससे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हम डायग्नोसिस हम इजीली पढ़ पाएंगे। तो मेडिसिन में जब हम डायग्नोसिस के पार्ट पढ़ेंगे, तो ये हमारा पैथोलॉजी का जो पार्ट है वो हमें वहाँ पे काम आएगा। तो सेकंड सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, जिसे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और वो हम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। थर्ड है हमारा फार्मेकोलॉजी, जो इंक्लूड करता है ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल, हमारा जो मेडिसिन के अंदर एपिलेप्सी की अगर ट्रीटमेंट प्लान की बात करें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेडिसिन के लिए। तो ये हम फार्मेक से देख पाएंगे कि कौन सी ड्रग किस तरह से मैकेनिज्म उसकी होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये हम सब फार्मेक से पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्मेकोलॉजी, ये जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट है, वो सबसे पहले हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे बिफोर रीडिंग मेडिसिन। जब आपने ये तीनों बेसिक सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो आपके लिए मेडिसिन को पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, आप ईजिली उसे लर्न कर पाएंगे। तो अब जाते हैं कि किस तरह से हमें प्रॉपर मेडिसिन को अप्रोच करना है, किस तरह से हमें मेडिसिन को पढ़ना है। कि मेडिसिन को आप डायरेक्टली थर्ड ईयर के स्टूडेंट के जैसे पूरे एडिशन नहीं पढ़ सकते, एक्चुअली थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी एक साल में एडिशन नहीं पढ़ सकता है, तो हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते नीट MBBS के लिए पूरी बुक को पढ़ने का। तो इसके लिए हमें तीन स्टेप में इसे अप्रोच करना पड़ेगा प्रिपरेशन में। पहला स्टेप है हमारी नोट्स, हमें अपने अगर थर्ड ईयर के नोट्स अपने पास है तो वो, या फिर अगर आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की है, या फिर अपने किसी सीनियर की या कलीग की पहले सबसे पहले नोट्स आपको लेनी पड़ेगी, उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट्स में होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, लेकिन नोट्स पढ़ के हमें आइडिया लग जाता है कि हमें क्या देखना पड़ेगा। नोट्स एक ऐसा मटेरियल है जो मिनिमम मटेरियल में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कवर करता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले आपको नोट्स पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको जाना पड़ेगा MCQs के लिए। जब आपने नोट्स पढ़ लिए, आपने अगर पल्स पढ़ रहे हैं तो आपने उसके सिनॉप्सिस पढ़ लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन को रीड करें और उसके जो एक्सप्लेनेशन है उसे देखिए। क्वेश्चन करने से आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है जिसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो नोट्स पढ़ लिए आपने, क्वेश्चंस पढ़ लिए, उसके एक्सप्लेनेशन देख लिए, और उसके बाद आप थर्ड पॉइंट यानी अब आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे। तो जब आपने MCQs और नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद आप रेफरेंस में जाके टेक्स्ट बुक को देखिए, उसके पर्टिकुलर पैराग्राफ को देखिए, उसके डायग्राम्स को देखिए, और आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी बुक में से सिर्फ कुछ
पेजेस इम्पोर्टेंट है, कुछ डायग्राम्स इम्पोर्टेंट है, कुछ पर्टिकुलर टेबल्स इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह से अप्रोच पे आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे फोकस करना है, मुझे सिलेक्टिव रीडिंग कैसे करनी है, मुझे क्या ठीक से पढ़ना है और क्या मुझे लीव करना है। तो ये हमारा हो गया कि हमें किस तरह से पढ़ना है। अब हमें किस तरह से याद रखना है, हमें कैसे थिंकिंग करना है, तो आपका जो मेडिसिन है वो बहुत सारी डिसीज़ उसमें इंक्लूड होती है, तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरह उसे देखना पड़ेगा। हमें डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ में क्या क्या उसके साइंस एंड सिम्टम्स होती है वो हमें देखते रहना पड़ेगा, उन सबको कंपेयर करना पड़ेगा कि ओके इसमें ये मेडिसिन वर्क करती है, इस स्टेप में यहाँ पे ये मेडिसिन वर्क करती है। फॉर एग्जांपल आपने अगर एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट देखते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि कौन से पर्टिकुलर टाइप की एपिलेप्सी में हमें कौन से पर्टिकुलर टाइप के ड्रग्स देनी है पेशेंट को। तो ये हमारे सब प्रोसेस है, ये हमारे डिफरेंट पॉइंट है जहाँ पे हमें लिंक करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा बेसिकली सभी डिसीज़ को, सभी पॉइंट्स को एक तरह से। तो हमें ये वेब की तरह अगर हम सोचेंगे तो ये हमारे ब्रेन में ठीक से बैठेगा। लास्ट है रिवीजन एंड रिकॉल। जब आपने नोट्स पढ़ लिए और न्यू इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आप गेन कर रहे हैं तो वो आपके नोट्स में आप ऐड करते रहिए, और नोट्स को बार बार जितना हो सके उतना बार बार पढ़ते रहिए। प्लस सेकंड चीज़, रिकॉल करिए ज़्यादा से ज़्यादा, रिवीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिकॉल करना, हमने जो पढ़ा है उसके बारे में थिंक करिए, सोचिए। और तीसरा, उसके हिसाब से आप मॉक टेस्ट दीजिए, स्पेशली जो मेडिसिन है उसके ही सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, तो इससे आपको आइडिया आएगा कि मेरे कौन से टॉपिक वीक है और कौन से स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक बेसिक अप्रोच है हमारा मेडिसिन के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास मेडिकल के अगर क्वेश्चन पेपर है, अगर पीजी के तो वो भी सॉल्व कीजिए, एम्स पीजी के अगर क्वेश्चन पेपर है तो उनके क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि नीट में कई बार हमारे मेडिकल एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा अंदाज़ा लगेगा कि कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने हो सके उतने एमसीक्यूज़ ज़्यादा सॉल्व कीजिए, ये एक बेहतर अप्रोच रहेगा आपकी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके जो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए आपके पास कोई सजेशन हो या कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू।